ये राज नहीं मासूम भाई, ये हमराज है। हमदास टेक्सटाइल एंड टेलर्स। राजस्थान बेंगल और जेवरात, कई किस्म के कारपेट, 70,000 किस्म के मुख्तलिफ अशिया एक ही छत के नीचे। क्रेडिट डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर मजीद 10% डिस्काउंट मिलेगा। बसवेश्वर सर्कल रायचूर। मोहम्मद यासीन होम अप्लायंसेस होलसेल एंड रिटेल शॉप। नाज़रीन में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, माँ बाप के बाद उस्ताद को ही सब दर्जा देते हैं। इसकी वजह यही है कि उस्ताद अपने बच्चों से ज़्यादा दूसरों के बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए कोशिश करता है, साथ ही साथ उनसे उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी कि वो अपने बच्चों से करता है। लेकिन कुछ असातिज़ा ऐसे भी होते हैं जिनके सीने में दिल नहीं पत्थर होता है, बल्कि वो तलबा को सख्त से सख्त सजाएँ देते हैं। और आए दिन ये सुनने में आता है कि फ़लाँ मुअल्लिम ने फ़लाँ तलबा के साथ गैर इंसानी सलूक किया, उसको मारा पीटा और इस कदर भी मारा गया कि तालिबिल बुरी तरह ज़ख्मी हो गया वगैरह वगैरह। इसी तरह का एक दिल दहलाने वाला वाक़ा रायचूर ज़िले के मस्की तालुक़े के संते कल्लूर मोहल्ले में पेश आया। ज़राए ने बताया कि मौजा संते कल्लूर में एक स्कूल है जिसका नाम है घना मटेश्वर प्राइमरी स्कूल। इस स्कूल में एक तालिबिल पर वहाँ के मौलिम ने गर्म गर्म खौलता हुआ पानी एक तालिबिल के जिस्म पर डाल दिया, जिसकी वजह से तालिबिल का जिस्म पूरी तरह जल गया। ये तालिबिल सिर्फ 7 साल का है, इतने मासूम बच्चे पर इतना गर्म पानी डाला गया। ज़राए के मुताबिक इस स्कूल की दूसरी जमात यानी सेकंड स्टैंडर्ड में तालीम पा रहे अखिल पर वहाँ के मौलिम ने गर्म गर्म पानी फेंक दिया। तफसीलात के मुताबिक बताया जाता है कि इस तालिबिल अखिल ने क्लास रूम में ही रफे हाजत कर दी, जिसकी वजह से मौलिम हुलिगप्पा को शदीद गुस्सा आया। उसने खौलता हुआ पानी उस बच्चे पर डाल दिया, जिसकी वजह से बच्चे का जिस्म बुरी तरह झुलस गया और उसे इलाज के लिए लिमसुगुर के सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया। ज़राए के मुताबिक ये वाक़ा देर से सामने आया है और 2 सितंबर को ये वाक़ा पेश आया। उस वक्त से अभी तक इस लड़के के वालदैन पुलिस में शिकायत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सियासी दबाव की वजह से बताया जाता है कि अभी तक इस सिलसिले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।